हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टैंड मास्टर में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको न्यू वैकेंसी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एक बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई जो CSIR के बारे में, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि तमिलनाडु में है। तो इसके बारे में बताते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या निकला हुआ है, फॉर्म कब से। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन भी है, दोनों तरीके का है। इसका डिस्क्रिप्शन में देखो होगा तो ऑनलाइन का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग फॉर्म से कब है तो यहाँ दोस्तों ये लिखा हुआ है, देखिए 14/1 यानी 14 जनवरी से सुबह 9 बजे से क्लास इसका जो स्टार्ट है फॉर्म, और लास्ट डेट इसकी जो है वो दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है 14 फरवरी 12 बजे तक आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 11 जनवरी से स्टार्ट है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये किसके लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए वैकेंसी दी हुई है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर। दोस्तों, ये जूनियर स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसमें दोस्तों जनरल की 3 वैकेंसियाँ हैं और OBC की 1 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल यहाँ दोस्तों 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। लेवल 4 की जॉब है, अच्छी वैकेंसी। दोस्तों, यहाँ पर इंटर मांगा हुआ है, क्या मांगा हुआ है दोस्तों? इंटर मांगा हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड मांगी है। इसमें कौन सी मांगी है? इंग्लिश की शॉर्ट हैंड मांगी है दोस्तों। स्पीड मांगी हुई है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट इसमें। और दोस्तों क्या है इसमें, तो 10 मिनट डिक्टेशन, इसका ड्यूरेशन जो है 10 मिनट होगा, यानी 80 वर्ड पर मिनट है, 10 वर्ड करीब बोले जाएंगे, टोटल 800 वर्ड बोले जाएंगे, ठीक है। आपको 50 मिनट ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसमें एज कितनी मांगी है दोस्तों? तो इसमें आपकी जनरल में 27 साल एज मांगी है और OBC में दोस्तों 30 साल एज मांगी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद की वैकेंसी आप लोग देख लेंगे। ये चैनल केवल और केवल आपके स्टेनोग्राफर के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, है ना, आगे देखते हैं। तो यहाँ आगे आते हैं सीधे लास्ट में। तो लास्ट में दोस्तों यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट दोस्तों ये दी हुई है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना यहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म वो भी सब डाल देंगे। 500 रुपये इसकी पेमेंट है, ठीक है, 500 रुपये। ये देखिए, यहाँ पर ये भी डाक पोस्ट पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग ये भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जिसको फॉर्म भरना है वो सभी लोग भर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन पोस्ट, ये देखिए पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, ठीक है। इसको भी, इसकी PDF आपको दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये आपका देखिए पूरा ये दिया हुआ है फॉर्म, तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों हैं ये, तो आप लोग दोनों तरफ से भर सकते हैं इसको, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर में मांगा क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या मांगा हुआ है। तो जूनियर स्टेनोग्राफर का दोस्तों बता देते हैं आपको कि यहाँ पर देखिए आपका एग्ज़ाम भी होगा, तो OMR सीट पर होगा, OMR बेस्ड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड इसका जो है, कंप्यूटर पर इसका वो होगा। OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी, एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो वो हिंदी और इंग्लिश से दोनों होंगे, लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा इसका, कुल मिला के ये है। इसमें इंटर पास मांगा है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 2.5 घंटे 40 मिनट का इसमें टाइम रहेगा आपको सॉल्व करने का। क्या क्या मांगा है दोस्तों? आपके रीजनिंग और GS आपकी मांगी हुई है। GK मतलब रीजनिंग जो है आपकी 50 नंबर की आएगी, सीधी बात, ठीक है। और GS जो आपकी आएगी वो भी 50 नंबर की आएगी, और इंग्लिश दोस्तों आपकी आएगी 100 नंबर की। ये टोटल बिल्कुल उसी तरीके है जैसे आपका वो आता है, क्या आपका जैसे उसका पेपर होता है, किसका? SSC का, ठीक है। SSC का पेपर जैसे आपका होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर होगा। ये देखिए यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 0.25 यानी 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोफिशिएंसी यानी उसके बारे में जो आपका टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपका ये 50 मिनट का आपका टाइपिंग होगा, ठीक है, 50 मिनट का आपको दिया जाएगा, जो कि आपका इसमें 70
मिनट देखिए यहाँ पर दिया, कैंडिडेट एलिवेट टू सब्सक्राइब, टोटल 70 मिनट का सिस्टम यहाँ पर वो उसके बारे में बताया गया। हर बार ये किनारे टच हो जाता है तो उसके कारण ये निकल जाता है। चलिए आगे बताते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। इसके आगे दोस्तों ये फॉर्म दिया हुआ है, अब ऊपर देख लेते हैं। ऊपर ये आपका दूसरे बारे में है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में है, ये भी आपको मतलब नहीं है, ये भी सब आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्म हो गया है, आप लोग सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और किसी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिया करिए। टेलीग्राम में आप सर्च कर लीजिए स्टेनो मास्टर, आ जाएगा स्टेनो मास्टर भाई वैभव शुक्ला। इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, हर जगह आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम में मैंने काफ़ी पोस्टें डाली हुई हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं और बाद में लेफ्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश की पोस्ट वहाँ नहीं पड़ेगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आप टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश की भी वैकेंसी, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो आपको यहाँ से छूट कर चली जाए, ठीक है। और बाकी आपको कोई यहाँ पर कहीं बताने वाला कोई नहीं है, जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भी बताए जाते हैं, सारे फॉर्म यहाँ पर बताए जाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके।